ऐसे नबी की उम्मत में फुगट में पैदा हो गए हम लोग, ना कोई मन्नत, ना कोई आरजू, ना कोई मिन्नत, ना कोई समाजत, ना कोई तमन्ना। अल्लाह ताला वो बोलते, देखो ऑटो पे लिखे हुआ रहता, आपके पास रहता नहीं रहता नहीं मालूम, हमारे हैदराबाद पर रहता, ऑटो पे लिखते पीछे ऑटो वाले गॉड गिफ्ट बोल के, ऑटो कहते गॉड गिफ्ट है कहते। तो मैं कहता हूं कि दीवाने गॉड गिफ्ट तो ये है कि अल्लाह ने तुझे मुस्तफा का उम्मती बनाकर पैदा कर दिया, यह है खुदा का सबसे बड़ा तोहफा कि तू नबी का गुलाम बन के पैदा हुआ। क्या बनकर? जोर से बोलो, हाँ हम सरकार के गुलाम हैं, ये हमारी सबसे बड़ी शान है। सारे मनसब, सारे ओहदे, सारे रुतबे, सारी इज्जत, सारे मर्तबे, खुदा की कसम, एक तरफ मुस्तफा का उम्मती होने वाला रुतबा, एक तरफ। क्यों ना फखर करें मेरे भाई हम, क्यों ना फखर करें। देखो हमारे नबी के सदके जाओ, क्या शान है मेरे मुस्तफा की। हजरत जुलैखा को हजरत यूसुफ मिले थे, मालूम नहीं मालूम तुम लोग कुछ भी। जुम्मे के दिन नमाज खड़ते वक्त मस्जिद में आते, बयाना सुनो रे भाई बोले तो शायरों को सुन ले के हल्लू सटक जाते हैं। कहां से मालूम होगा? नहीं सुनने के बाद ना कुछ भी नहीं सुनते। सुनो बोले तो मैं अभी आके मेरे को साहेब पूछे मौलाना साहब हजरत आप कब बयान करते, मैं बोला पहले मैं करता हूँ बोला, क्योंकि मेरे को माइक देते 2 बजे रात को, आधे लोग सो जाते हैं आधे लोग चले जाते हैं, अब मैं हौलों के साथ बैठना बयान करना। तो इसलिए मैं बोला नहीं रे भाई आज जरा जल्दी प्लीज, अल्लाह का शुक्र है जरा तुम लोग जगते रह रहे मेरे को बयान करने का मौका मिल गया। हाँ तो इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों अब जरा सुनो, अल्लाह के एक पैगम्बर थे जिनका नाम था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। वो पैगंबर की ये शान थी, अल्लाह ने क्या किया जब हुस्न को, जमाल को, खूबसूरती को पैदा किया तो खूबसूरती के अल्लाह ने 2 हिस्से किए। कितने? जोर से बोलो, हुस्न के अल्लाह ने 2 हिस्से करके एक हुस्न से अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया। वो एक ही हुस्न में कश्मीर भी बना हुआ है, हिंदुस्तान बना हुआ है, अमेरिका बना हुआ है, लंदन बना हुआ है, जापान बना हुआ है, चाइना बना हुआ है, कोरोना वायरस नहीं है उसमें, मगर वो एक ही हुस्न में अल्लाह ने सारे हुस्नो जमाल को, जितनी खूबसूरत 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 औरतें पूरी दुनिया के अंदर है वो एक हुस्न के अंदर पैदा हो गई। कब से? हजरत आदम के जमाने से लेके कयामत तक सारे लोगों के हुस्न को अल्लाह ने एक टुकड़े से बनाया और दूसरे टुकड़े से अल्लाह ने सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को बनाया। इमेजिन करो कितने खूबसूरत थे होंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम, कितने खूबसूरत थे होंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम। अल्लाह अल्लाह, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचने के लिए मिस्र के बाजार में लाए तो बड़े बड़े रईस, मालदार, बादशाह, तवंगर, दौलतमंद अपनी पूरी जायदाद, पूरा रुपया, पूरा रुकड़ा, पूरा सारा सब कुछ लेके आके मैदान में लाइन बनाकर खड़े हुए हैं। पूछा क्यों? कहा यूसुफ को खरीदने के लिए। ऐसे हुस्न और जमाल के मालिक थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फिदा हो गई थी हजरत जुलैखा, और जुलैखा कोई मामूली औरत नहीं थी, उस वक्त के बादशाह की बीवी थी। सुभान अल्लाह। अब हजरत जुलैखा बादशाह की तरफ पलट के नहीं देख रही जब से हजरत यूसुफ को देख लिए, और हजरत यूसुफ बच्चे हैं, हजरत जुलैखा बड़ी है, दोनों के बीच में कई साल का फासला है। 11 साल के यूसुफ हैं, 7 साल के यूसुफ हैं, 40 साल की हजरत जुलैखा है, और हजरत जुलैखा भी मुसलमान भी नहीं हुई। हजरत यूसुफ के हुस्न में गिरफ्तार हो गई, बादशाह को ठोकर मार दी, बादशाह को लाइट ले ली, सारी सल्तनत को लाइट ले ली। तो हजरत जुलैखा के सहेलियां पकड़ के पूछे, जुलैखा दीवानी हो गई, बादशाह को छोड़ के वो बच्चे के पीछे पड़ गई, पागल हो गई क्या, दीवानी हो गई, क्या कर रही है सब हरकत, ये क्या हरकत है?
बच्चे के वास्ते इतना। तो हजरत जुलेखा ने सहेलियों से पूछा, क्या तुमने मेरे यूसुफ को देखा? हाय 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 हाय, क्या तुमने मेरे यूसुफ को देखा? तो कहा नहीं देखा, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। अगर देख लोगी ना तो मुझसे बड़ी दीवानी हो जाओगी। तो कहा अच्छी बात है, दिखा, हम तेरे यूसुफ को देखने तैयार है। तो कहा ऐसे वैसे नहीं दिखाऊंगी, एक शर्त है। बोले क्या? हाथ में सेब पकड़ना और छुरी दूंगी, काटते हुए यूसुफ को देखना, इधर से हाथ चलते रहना, इधर से यूसुफ का दीदार होते रहना, मैं यूसुफ को सामने से गुजारूंगी। तो कहा मंजूर है। सारों के हाथ में तेज छुरी और सेब दे दी, हजरत जुलेखा ने दे दिया, देकर कहा चलो काटना शुरू करो। वो काटना शुरू करे, हजरत यूसुफ सामने से गुजरे, काटते काटते सेब कट गया, उंगलियां कट गई। हुस्ने यूसुफ में हजरत जुलेखा की सहेलियां इतनी महू हो गई कि उंगलियों के कटने की खबर ना रही। तक तो सबको मालूम। एक लतीफ नुक्ता अब मैं समझा रहा हूं, सुनो। ये हजरत यूसुफ ऐसा कर, जुलेखा ऐसा करी थी, सहेलियों का साथ ऐसा हुआ, हमको कैसा मालूम? पॉइंट टू बी नोटेड, ये बड़ा मसला है। ये बात खुद हुजूर सुना रहे, लो सुभान अल्लाह, खुद हुजूर सहाबा को सुना रहे। तो सहाबा को हुजूर यहां तक सुना के रुक गए, आप लोग खुश हो गए, मगर सहाबा के चेहरे छोटे हो गए। हुजूर ने पूछा सहाबियों खुश नहीं हुए? बोले या रसूल अल्लाह, अगर हजरत यूसुफ के हुस्न का आलम ये था तो हुजूर जरा ये भी तो बता दे प्यारे मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या है। आका जरा ये भी तो बता दे आपके हुस्न का आलम क्या है। हमने तो देखा आका वहां यूसुफ को देखकर उंगलियां कट गई, यहां मुस्तफा को देखकर चांद कट रहा है। आका जरा ये भी तो बता दे, वहां यूसुफ को देखकर जुलेखा ने बादशाहत को छोड़ दिया था, यहां मुस्तफा को देखकर डूबा हुआ सूरज पलट आ रहा है। आका हमने देखा था वहां यूसुफ को खरीदने लोग अपने जानों मां अपनी दौलत लेकर मैदान में खड़े थे, या मुस्तफा की रजा के लिए हम अपनी गर्दनों को कटाने के लिए सफों में खड़े हुए हैं। आका जरा बता दे आपके हुस्न का नाम क्या है। तो प्यारे मुस्तफा ने कहा सहाबियों सुनो सुनो, हजरत यूसुफ को जो एक टुकड़ा हुस्न का मिला था, और पूरी दुनिया को जो एक टुकड़ा हुस्न का मिला था, मुझे मेरे रब की कसम, अल्लाह ने जब वो हुस्न को पैदा किया तो वो हुस्न कहीं और से नहीं लाया, मेरे हुस्न का एक खतरा निकाल कर एक से दुनिया बनाया, दूसरे से यूसुफ बना। नारे।